हेलो फ्रेंड्स, आज हम बना रहे हैं उपमा। ये हमने 1 चम्मच के आसपास देसी घी कढ़ाई में डाल दिया है। सबसे पहले हम उपमा के लिए मूंगफली लेंगे, थोड़ी सी उसको भून लेंगे। इसको हमने हल्का हल्का फ्राई करना है। इसके साथ साथ ही हम ये काजू और बादाम, इनको भी हल्का फ्राई कर देंगे। इनको ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, नहीं तो ये कड़वे हो जाएंगे। हमने गैस को बंद कर दिया, अब हम इसको निकाल लेंगे। ये 1 कटोरी सूजी है, अब हम इसको भी भून लेंगे। इसको भी हमने ज़्यादा नहीं भूनना है। आप सूजी को भून के रख भी सकते हैं, इसको कभी ज़रूरत पड़े तो। भुनी हुई सूजी होती है तो जल्दी से निकाल के हम कुछ भी बना सकते हैं, चाहे हम हलवा बना लें सूजी का या उपमा बना लें। लंबे समय तक के लिए अगर हमने रखना हो तो इसको हम भून के, भूनना बहुत ज़रूरी होता है, इसमें ज़्यादा देर नहीं भूनना है। ये देखिए, ये हमारी सूजी हो चुकी है, सूजी को हम निकाल लेंगे। ये हमारा घी गर्म हो चुका है, अब हम इसमें 1 चम्मच जीरा डालेंगे और 1 चम्मच हम राई या सरसों डालेंगे। इसके साथ साथ ही हम ये कड़ी पत्ता डालेंगे। कड़ी पत्ते के साथ साथ 1 चम्मच हम अदरक डालेंगे, इसको भी अच्छे से मिला लेंगे। इसके साथ ही हमने जो बारीक बारीक प्याज काटा हुआ था ना, वो भी डाल देंगे इसमें। प्याज को हमने ज़्यादा पकाना नहीं है। और ये हमने 2 हरी मिर्चियाँ और शिमला मिर्च और ये गाजर, ये भी इसमें डाल देंगे। अब हम इसको अच्छे से 2-3 मिनट तक इसको मिला लेंगे। हमने इसको सब्जी की तरह नहीं बनाना है, थोड़ा कच्चा छोड़ना है। अब हमने जो 1 कटोरी हमने जो सूजी ली थी, अब उसी कटोरी से नाप के हम इसमें 3 कटोरी पानी डाल देंगे। अब हम इसमें नमक डालेंगे स्वादानुसार, जितने आपको नमक की ज़रूरत है ना, आप उतना नमक डालेंगे इसमें। अब हम इसको 1-2 मिनट तक उबलने देंगे पानी को, थोड़ी सब्जी सॉफ्ट हो जाए। ये देखिए, शिमला मिर्च हमारी और गाजर भी सॉफ्ट हो चुकी है। अब हम इसमें सूजी डाल देंगे, धीरे धीरे करके इसको सारी डाल देंगे और इसको मिला लेंगे। लगातार करछी चलाते रहेंगे, नहीं तो इसमें गांठ पड़ जाएगी सूजी में।
इसको अच्छे से सुखा लेंगे पानी को सूजी के अंदर। अब जो हमारे ड्राई फ्रूट थे वो इसमें डाल देंगे हम। थोड़ी सी ऊपर से डालेंगे। अब हम ऊपर से हरा धनिया डाल देंगे। अब हम ऊपर से ये नींबू पानी डाल देंगे। ये तैयार हो चुका है, ये देखिए हमारा पोहा। पोहा नहीं, सॉरी, उपमा।